सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह कहाँ से पढ़ाई करे। मतलब कई सारे उम्मीदवार आजकल इंटरनेट की सहायता से सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, लेकिन अधिकतर साइट्स पर गलत इन्फॉर्मेशन होने की वजह से वह गुमशुदा हो जाते हैं या गुमराह हो जाते हैं। आईएएस के उम्मीदवारों को आईएएस परीक्षा की तैयारी करने के लिए सही वेबसाइटों का चुनाव करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं या ऐसे कौन से वेब पोर्टल्स हैं जिनसे आप आसानी से जेन्युइन कंटेंट पढ़कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ई लर्निंग आज की शिक्षा में सबसे बड़ी सूचना की क्रांति है। ऑनलाइन सूचनाओं का डेटाबेस लगातार अपडेट होते रहता है, इसलिए यह आईएएस उम्मीदवारों को सीखने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करता है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन अभी भी इससे जुड़े फायदे अद्वितीय हैं। जब बात आईएएस परीक्षा की तैयारी करने की आती है तो यह बात मायने रखती है कि आपने किस क्वालिटी की पढ़ाई की है, लेकिन इसके साथ साथ यह बात भी उतने मायने रखती है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। जब से इंटरनेट सूचना का एक प्रमुख स्रोत बन गया है तब से यहाँ भी आपको आसानी से स्टडी मटेरियल यानी अध्ययन सामग्री मिल जाती है और किताबों के एकत्रीकरण से बचा जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे सीखने के लिए सभी उपलब्ध वेबसाइटों का उपयोग करना है तथा अपने अध्ययन की आवश्यकता अनुसार किसी एक सही वेबसाइट का चुनाव किस प्रकार करना है। सूचनाओं को फिल्टर करने की शैली भी एक प्रमुख कार्य है। यहाँ हम आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए सभी उपयोगी वेबसाइटों की आपको नाम बताने जा रहे हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी भी हैं जिन्हें अपडेट करते रहने की आवश्यकता होती है। कुछ वेब पेज अध्ययन संबंधी सामग्री को विशेष रूप से प्रस्तुत करते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इन वेबसाइट्स को आप सभी प्रेफर कर सकते हैं। हमारी पहली वेबसाइट है newsonair.com यानी ऑल इंडिया रेडियो की। आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले हर रोज रात के 9 बजे वाले न्यूज अपडेट सुने और रविवार को प्रसारित होने वाले बहस विचार विमर्श को भी आप यहां सुन सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है pib.nic.in, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाइट को सरकारी सूचनाएं सबसे पहले प्रदान करने वाली साइट के रूप में जाना जाता है। यहां सभी मंत्रालयों की समसामयिक जानकारी जैसे नई योजनाओं का शुभारंभ और सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों की जानकारी प्राप्त करवाई जाती है। थर्ड वेबसाइट है ptinews.com, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर यानी संक्षिप्त सूचनाएं प्रदान करता है जो कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन, क्या, कब और कहां जैसे अपडेट यहां आसानी से पाए जा सकते हैं। चौथी है thehindu.com, यह एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप एक ही जगह पर सभी बेहतर संपादकीय और विचारों से संबंधित लेखों को पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक का विश्लेषण करने की जरूरत है उसका चुनाव करें और द हिंदू के आर्टिकल वाले ऑप्शन उस लेख को खोजें। यह एक मुद्दे पर एक प्रगतिशील अध्ययन प्रदान करता है। पांचवी है हमारी economictimes.indiatimes.com, यहां आप नवीनतम आर्थिक नीति पर श्रेष्ठ अर्थशास्त्रियों का कॉलम पढ़ सकते हैं, विशेष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण और भारतीय रिजर्व बैंक की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का आप यहां पर अध्ययन भी कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इन वेबसाइट्स का प्रयोग करें जो कुछ इस प्रकार है। पहली है prsiindia.org, आप यहां से सभी नवीनतम पारित लंबित और खारिज संसदीय विधेयकों पर नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक संसदीय सत्र के बाद सरकार के कार्यों पर त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट भी यहां से प्राप्त की जा सकती है। अगली वेबसाइट है mea.gov.in, यहाँ आप प्रधानमंत्री द्वारा की गई नवीनतम विदेश यात्राओं का वर्णन देख सकते हैं और साथ में भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों का वर्णन भी इस वेबसाइट पर दिया होता है। अगली वेबसाइट है योजना.gov.in, यहाँ से आप योजना और कुरुक्षेत्र पत्रिका के सभी नवीनतम संस्करणों और आर्काइव्स को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है ENV
for.nic.in। यह वेबसाइट देश के पर्यावरण अनुभाग में वर्तमान अपडेट्स का अध्ययन करने के लिए अत्यंत उपयोगी वेबसाइट है। इस साइट पर सालाना रिपोर्ट्स जारी होती है, जो विशेष रूप से आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ने योग्य मानी जाती है। अगली है विकासपीडिया.in। यह वेबसाइट आपको भारत में शुरू की गई सभी सामाजिक और आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं पर नोट्स बनाने में मदद करती है। साथ ही दोस्तों, यह भारत सरकार के सभी प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों के उद्देश्यों का अध्ययन करने का एक शानदार विकल्प भी आपके सामने प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है हमारी indiabudget.nic.in। इस वेबसाइट में आप विस्तार से वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट और आर्थिक सर्वेक्षण का अध्ययन कर सकते हैं। वार्षिक बजट की मुख्य विशेषताओं के साथ यहां वित्त मंत्री का भाषण भी उपलब्ध होता है। अगली वेबसाइट है arc.gov.in। यहां आप विस्तार से दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की सभी 15 रिपोर्टों को देख सकते हैं। अगली है हमारी upsc.gov.in। यानी दोस्तों, पिछले वर्ष की आईएएस परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों का यहाँ वर्णन है और आईएएस परीक्षा से संबंधित अधिसूचनाओं के लिए भी इस साइट पर विजिट आप जरूर कर सकते हैं। अगली है हमारी ncert.nic.in। इस वेबसाइट से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक के एनसीईआरटी की पीडीएफ के नोट्स बना सकती हैं या उन्हें पढ़ भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारी अगली वेबसाइट है nios.ac.in। यानी पर्यावरण, इतिहास, राजनीति आदि से संबंधित प्रासंगिक अध्ययन सामग्री यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। यह वेबसाइट आपको वैकल्पिक अध्ययन सामग्री के मूल्य संवर्धन रूप से बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगली वेबसाइट है हमारी eGyankosh.ac.in। अपनी आवश्यकता के अनुसार इग्नू से संबंधित सभी पाठ्यक्रम सामग्री इस वेबसाइट से पढ़ या उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वेबसाइट है jagranjosh.com। इस वेबसाइट पर समसामयिक मुद्दों एवं करंट अफेयर्स से संबंधित विस्तृत अध्ययन सामग्री सहित डेली अपडेट्स उपलब्ध है। यहाँ आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्रों का संकलन मौजूद है। इसके साथ ही आईएएस परीक्षा की तैयारी से जुड़े टिप्स तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की भी सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों को इस बारे में भ्रमित भी कर सकता है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। आईएएस तैयारी के लिए सही वेबसाइट का चुनाव करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। एक उम्मीदवार को बेहतर अध्ययन सामग्री और अधिक सामग्री प्राप्त करने के लिए एक उचित वेबसाइट का चुनाव करना चाहिए। हालांकि ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ आईएएस उम्मीदवारों को समय भी ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इसलिए आईएएस की तैयारी करने से पहले कुछ अच्छी वेबसाइटों जैसे पत्रिकाओं और चैनलों का चुनाव कर एक सूची तैयार करनी चाहिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य बात यह है कि आईएएस परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों अध्ययनों की आवश्यकता होती है। बेहतर तरीके से सीखने के लिए वेबसाइटों का चुनाव करें, लेकिन द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ने के लिए कोई समझौता न करें। कई वेबसाइटें आपको अखबारों का विकल्प और सारांश प्रदान करने का दावा करेंगी, लेकिन ध्यान रखें कि अखबारों को पढ़ने का कोई विकल्प नहीं होता। तो आप इन सभी वेबसाइट्स को प्रेफर करके अपनी सिविल सेवा की तैयारी को और आसान बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे ऑल अबाउट यूपीएससी एग्जाम, मुझे बना है यूपीएससी टॉपर, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन वेलफेयर स्कीम, 60 सक्सेसफुल आईएएस ऑफिसर्स की प्रेरक कहानियां और मनीष रंजन की ढेरों किताबें, जिनमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप उन सभी किताबों को मंगवाना चाहते हैं तो आप उन्हें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके उन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, या दोस्तों आप उन्हें अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।